गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। आज तो सुबह सुबह वीडियो शुरू हुआ आपके जीजू के साथ। स्माइल दे दो, इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को। मुझे क्या भी स्माइल दे। ये अनबॉक्सिंग हो रही है गाइस। हमने पतंजलि का राशन पहली बार ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया, और क्योंकि यहाँ पर ना लो तेल निकला पड़ा है इसमें से। बताओ, वैसे तो एक एक आइटम अलग अलग पैक होकर आया तेल का। तो एक्चुअली हम यहाँ पर बहुत सारे पतंजलि स्टोर हैं, बट हमने इसलिए ऑनलाइन मंगाया कि गोखरू जो है ना आपके जीजू को पिलाती हूँ किडनी स्टोन के लिए, वो मिल नहीं रहा था। एक जगह मिलता है, लेकिन तब उस दिन बहुत बारिश हो रखी थी तो वहाँ जा नहीं पा रहे थे। तो हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा कि हम राशन तो लेते ही हैं, चलो ऑर्डर करते हैं। हरिद्वार से आया है सारा। एक्चुअली ये इसलिए ऑर्डर करना पड़ा इतना सारा क्योंकि 1000 रुपये से कम तो दे ही नहीं देते। हाँ, तो कॉल आ गया था बीच में। ये है गाइस गोखरू क्वाथ, जो कि आपके जीजू के लिए चाहिए। तो ये 2 पैकेट ऑर्डर करना था हमें, लेकिन फिर हमें 1000 रुपये का सामान ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि मिनिमम 1000 पर था डिलीवरी। तो फिर मैंने कुछ दालें और सरसों का तेल, तो हम पतंजलि का यूज़ करते हैं तो वही ऑर्डर कर लिया था। और ये इतने दिन से आया हुआ है बॉक्स, पर मेरे को खोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो आज फाइनली तुम्हारे जीजू ने इसको चीर फाड़ कर दी है। बिल्कुल कर दिया। मैं बोतल निकाल के देख रहा हूँ तेल कहाँ से लीक हुआ है। ये वो वाली देखो ना, उसमें हुआ है। दो बोतलों में हुआ है। तो लीक कैसे हुआ है? तो ऊपर ढक्कन पे भी सील लगी हुई है। और भाई हाथ का दर्द कैसा तुम्हारे? वही बताने लगी थी मैं। ये जो हाथ उठा रही हो इसी का दर्द क्या है? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये जो इन्होंने मेरे साथ पंचिंग करी है ना, इसकी वजह से इनके दोनों हाथों में दर्द हो गया है। मुक्के जो इन्होंने मारे हैं रख रख के, अब भी बाजू दर्द। मुक्का मार दूंगी। मेरे बहुत दर्द है गाइस, मेरा ये हाथ ना। कहा था रोंगी मंगाई है, रोंगी दवाई नहीं। मैंने नहीं मंगाई रोंगी, तो मिल गई थी हमें यहीं से। नहीं, तुम कह रही थी उससे मिलती है पतंजलि पे, यहाँ पर नहीं मिलती। मैं मंगा रही हूँ तो देखना, मंगाई एक है, भेजी नहीं क्या उन्होंने? देखो इसमें तो है, इसको देखो जरा। बिल्कुल ये रहा। सो गाइस, ये मेरे ना इस हाथ में भी दर्द हो जाएगा जिससे मैं पकड़ती हूँ। मेरे इस हाथ में तो बहुत ज़्यादा पेन है, ये लास्ट की 2 फिंगर से लेके कोई नस पूरी आर्म तक जा रही है। मतलब इतना ज़्यादा हो गया कि मैं जब रोटी बेल रही हूँ तो उसमें दर्द है। कोई ढक्कन भी खोलना हो तो मुझे इनको बुलाना पड़ता है। और जैसे वाटरमेलन भी फ्रिज से उठा के निकाल रहे हैं तो मेरे से उठ नहीं रहा, इतनी वीकनेस हो गई है इस हाथ में। और क्योंकि ये इतना वीक हो गया तो मैं सारा कुछ इसी से कर रही हूँ, तो अब मुझे इसमें भी दर्द शुरू हो गया है, राइट हैंड में भी ना, ये लास्ट 2 फिंगर्स में। सर वैसे तो सर्वाइकल का ही पेन होता है ये, कि पीछे की 2 फिंगर्स वगैरह, बट मुझे यहाँ और यहाँ कहीं पेन ही नहीं है, कुछ भी नहीं है कि सर्वाइकल मैं कहूँ कि मुझे हो रहा है। जब भी पंच करना है ना तो मुझका शोल्डर से मारना है, रिस्ट से मारेंगे तो यही दर्द होगा। शोल्डर के ना मेरे वैसे ही पंडित जी ने बोल रखा है कि तुम्हारा शोल्डर खराब हो सकता है, पंडिताइन जी ने। शोल्डर से मुक्का मारोगे तो पक्का उतर जाएगा मेरा शोल्डर। नहीं नहीं, वो कम लगता है उससे तो। चलो ठीक है, ट्राई करेंगे। आप भी जीजू को कंधे से मुक्का मारोगे? अभी तो दर्द हो रहा है ना। पकड़ो प्लीज, मेरे से फोन नहीं पकड़ा जा। गाइस मैंने ये भी मंगवाया है, बेड कवर है अमेज़ॉन से। जैसे ये है ना इलास्टिक वाले की साइड से पूरा अंदर चले जाते हैं, तो वैसा ही मैंने एक और मंगवाया है। ये इसकी मैं अनबॉक्सिंग शॉट शूट कर दूँगी, है ना, कल बिछाऊँगी इसको। गाइस एडिटिंग माई व्लॉग्स फॉर यू ऑल एंड हैविंग माई मिड डे मील, मतलब लंच से पहले वाला। एक कटोरी दही में फ्लैक्स सीड पाउडर, भुना हुआ जीरा एंड भुना हुआ सौंफ पाउडर है। हाय गाइस, तो ये मैं खा रही हूँ दही, और अभी वीडियोस भी शूट हो रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो शूट कर लिया, और भी करने हैं। और ये मैं बना रही हूँ काले चने। आज मेरी दोपहर को लंच में है काले चने। और हाँ, आपको मेरी स्किन में कुछ फ़र्क लग रहा है? अच्छी लग रही है ना? दिस इज़ बिकॉज मैं एक नया प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ, पिछले 2 हफ्ते से मैंने ट्राई किया गाइस। और याद है हम जब छोटे थे बचपन में, तो मेरी मम्मी तो ना बस एक ही क्रीम रखती थी घर में, चामिस। हम लोग चामिस की क्रीम लगाते थे, वो मुझे इतनी अच्छी लगती थी। फिर हम बड़े हो गए तो भूल ही गए कहाँ गई चामिस, आती भी है कि नहीं आती है एंड ऑल दैट। तो मुझे ना कुछ दिन पहले मैंने देखा था यूट्यूब पर चामिस का
फेस सीरम चामिस की क्रीम, तो मैंने कहा अरे वाह ये वापस आ गया। देन आई गॉट दिस चामिस फेस सीरम, ब्रांड ने भेजा मुझे कि आप ट्राई करो, अगर आपको पसंद आए तो आप रिव्यू करना। तो मैंने 2 वीक्स लगाया गाइस एंड स्किन में एक शाइन आ गई है। एक्चुअली ना थोड़ा सा स्पॉट्स भी रिड्यूस करता है, मतलब इट्स अ गुड विटामिन सी सीरम। मैंने कितने सारे विटामिन सी सीरम्स यूज़ करे हैं ना, और काफ़ी कई तो काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। चामिस की ये बात भी अच्छी लगी मुझे कि अफोर्डेबल भी है। तो फाइनली मैंने 2 हफ्ते बाद आज एक उनका छोटा सा रील बना दिया है, इंस्टाग्राम पर देखना आप जाकर, अच्छा लगा मुझे। तो ये मैंने काले चने भिगो रखे हैं, ये बनाऊंगी। एंड रात के लिए कोई आई थिंक लाइट सब्जी बनाऊंगी, घिया वगैरह। व्हाट हैपेंड, सब्जी वाला दे जाएगा ना आज? चश्मा कहाँ है? तुम्हारे न्यू शेड्स? डोंट टेल मी फिर घुमा दी। घुमाने ना है, कार में होंगे। हाँ उसने तो इतने राइड नहीं करी कार की, तो जाके देखा हो कार में। जा रहा हूँ मैं उसको लेने पार्क को, मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा। तो ये देखिए आपकी दीदी स्टूल पे बैठ के सब्जी लगा रही हैं। हाँ आराम से टिका लिए, अब धीरे धीरे करके सारा भर दूंगी। थोड़ी देर में ये फ्रिज ऐसे हो जाएगा जैसे 5 किलो के थैले में 10 किलो आटा ठूस दिया हो। ऐसे जोर लगा के जैसे टैची बंद करते हैं ना, ऐसे फ्रिज बंद करते हैं हम अपना। क्योंकि फ्रूट भी तो सारा हो जाता है ना। मैं दबाता हूँ प्रिया लॉक लगाती है फ्रिज का सब्जी डालने के बाद। हे गाइस, मेरी धनिया पुदीने की चटनी बन गई फ्रेश एकदम। काले चने तैयार हैं, पार्थ भी आ गया है, उसके पापा ले आए हैं उसको, और अभी मैं खुल जाना हूँ। बन गए काले चने, तो मैं इनको गरम गरम रोटी खिला देती हूँ बना के साथ में, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी हुई है सबको। सैलेड कट करना है मुझे बस। और देखो गाइस मैंने मैंगोज़ भिगोए हैं, ये पूरे डूबे नहीं है, 3 किसी और में भिगोने पड़ेंगे। बढ़िया बढ़िया आम आया है, सारा फ्रूट भी और सब्जी सब कुछ लगा दिया है मैंने। ये हमारा लाल पीला हो चुका है, थक गया बेचारा पढ़ाई करके। तुम्हारा हाथ जो है ना वो सही हो गया लगता है ना? वो हाथ है सही हो गया ना? अरे हाँ ये तो मैं बताना भूल गई गाइस, ये देखो मेरी स्वेलिंग काफ़ी कम हो गई है। आज आपके जीजू ने मेरी खूब मालिश करी है हाथ की, मेरी बाजू की और मेरे गर्दन सर्वाइकल की। थैंक यू मोहित। इसका ना एक राज है। क्या? तुम 2 दिन मुझे नहीं मारो मुक्का उक्का तो वैसे ही ठीक हो जाए वो। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है गाइस हंस लो। अब कहाँ जा रहे हो तुम? जा रहा हूँ भाई। कहाँ? जिम। जिम तो सुबह गए थे पापा। अच्छा वो दादी दादू को लेने जा रहे हैं। Okay. टोपी पहन के जा रहे हैं, बाहर बारिश हुई है और ये टोपी पहन के जा रहे हैं जैसे धूप निकली हो। गाइस ये देखो बाहर क्या मौसम हो रहा है, कैमरा में ऑरेंज ही हो रहा है ना बाहर, देख कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है बाहर से, इतनी मस्त ठंडी हवा आ रही है। इसके सामने मेरे एंकर की हवा भी फेल है। टाइम देख लो शाम के 7:10 हो गए। पार्थ आज डिनर में घिया आलू बना रही हूँ मैं, बहुत दिन हो गए बेटे लाइट नहीं खाया हमने, और घिया पड़े पड़े पुरानी हो जाएगी फिर। और मेरा पूछ क्या है डाइट में डिनर में? व्हीट नूडल्स। तो गाइस यहाँ मैं भून रही हूँ घिया आलू की सब्जी को, बस चढ़ाने वाली हूँ मैं अभी इसे कुकर में। यहाँ वाटर बॉयल हो रहा है, साथ में मैं बॉईल करूँगी व्हीट नूडल्स, ओडोंग व्हीट नूडल्स। और नूडल्स के लिए वेजीज यहाँ पर कटी हुई हैं, प्याज टमाटर शिमला मिर्च गाजर सब कुछ। तो नूडल्स भी बनाएंगे, खाने की तैयारी हो रही है।